करीबन 80-85 साल हो गए, बहुत पुराना मंदिर है और जिनके खेत में ये मंदिर है उनको सब मालूम था। अकेला ही आदमी वहाँ पर पानी डालना ये करना वो करना उनके भावना जैसे वो पूजा करता था। फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उनको पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो यहाँ हनुमान जी हैं, हनुमान जी की मैं सेवा करते रहता हूँ। तो सब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सब परिसर साफ किया, लोगों को मालूम हुआ, पता चला कि भाई यहाँ हनुमान जी निकले ऐसे करते करते बहुत से लोग यहाँ आने लगे, दुखी लोग भी आने लगे, अच्छे लोग भी आने लगे। तो बहुत से लोगों का दुख दूर हुआ। दूर होने के बाद में यहाँ जनता बढ़ती गई। मंदिर पे लोगों की श्रद्धा है, इसी वजह से यहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। आजू बाजू के सभी गांव के लोग, खासकर देहात के लोग ज़्यादा आते हैं, जो दादा की दोनों टाइम की आरती अटेंड करते हैं। उसके बाद दादा का जल, तीरथ और यहाँ का भभूति, इसी चीज़ से यहाँ उनको आराम होता है। ये 1.25 महीना, किसी को 8 दिन या किसी को 15 दिन में आराम लग जाता है। पूजा के समय जब आरती होती है तो जो ये प्रेत बाधा वाले जो पेशेंट लोग होते हैं, जिनको बाहरी बला रहती है, वो इसलिए गोल गोल घूमते हैं कि जब ढोल बजता है आरती में, आरती के समय में ढोल बजता है, जिससे गोल गोल घूमने से उनके बंधन कटते हैं और दादा का आशीर्वाद मिलता है उनको। तो दादा की परेड या उनसे कॉन्टेक्ट दादा खुद करा देते हैं, उनका दादा का दर्शन जिनको बाहरी प्रेत बाधा है उनको हो जाता है। और वह बताते हैं कि तुम्हारे घर में क्या चीज़ है, किसने क्या किया। यहाँ तक देखा गया कि वो जिसने उसको लगाया गया भूत प्रेत बाधा, उसका खुद ही नाम वो खुद बता देते हैं। ये दादा का एक अद्भुत चमत्कार है। हाँ, ये सही बात है। आरती में जाने से मतलब उनकी जो शरीर पे रहता है ना, जिसको मतलब भूत प्रेत लगता है तो आसपास मिलते हैं। नहीं तो बात तो उनकी बिल्कुल सही होगी, अपन तो उनके बारे में बोल नहीं सकते। उनकी जो है, उनके मन में जो है भगवान की प्रति भावना, बिल्कुल सही है उनकी। आते हैं, उनके साथ बात भी करते, तब तो इतने लोग बिल्कुल दूरस्थ होकर चले गए। इस बात को मैं नहीं मानता और उनसे भी मानता नहीं कि अगर उनको हनुमान जी उनके आंग में आ जाए, स्वयं हनुमान जी बन जाए, तो उनको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो अपने घर में ही मतलब भगवान बन के काम कर सकते हैं, हनुमान जी का स्वरूप बन के काम कर सकते हैं। इस बात में मेरा कोई विश्वास नहीं है। एक्चुअली यहाँ मंदिर में जो पेशेंट्स श्रद्धालु, जिनको आप बोल रहे श्रद्धालु जो आते हैं, मेनली ये लोग जो होते हैं जंगली एरिया, जिसको हम बोलेंगे आदिवासी लोग जो होते हैं, वो लोग मेनली यहाँ पर आते हैं। तो
हमारा ऑब्जर्वेशन पिछले 2 सालों का ये है कि इन लोगों को अवेयरनेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब इनको इनकी जो प्रॉब्लम इनकी जो इलनेस है, मेंटल इलनेस जिसको हम बोल रहे हैं, उसके बारे में इनको अवेयरनेस कम है कि एक्चुअली ये इलनेस है। उनका मानना ये होता है कि ये एक भूत बाधा है या किसी बाहरी शक्ति की वजह से, प्रेतात्मा की वजह से उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। और स्पिरिचुअल चीज़ जैसे भगवान या कोई आस्था का मंदिर यही ठीक कर सकता है। नहीं, डॉक्टर को दिखाए भाई, इलाज विलाज पूरा हुआ, उतना इलाज करवाने के बाद भी बैठा नहीं, तो अब क्या मानेंगे? फिर हमने फिर जो अंडा पंडे नहीं रहते क्या छोटे मोटे, उनके पास दिखाने के लिए गए, उनने कुछ मतलब आदमी का प्रॉब्लम बताया, तो हमने बोले उनके पास भी कंट्रोल नहीं, इलाज पे भी कंट्रोल नहीं, हमने बोले चलो यार आप पीते जाम सावनी। देखिए हमारे देश में, भारत में जो भी धार्मिक स्थल है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, यहाँ पर लोग जो जाते हैं किसी न किसी चमत्कार की आशा से जाते हैं, मतलब किसी को परीक्षा पास करनी है, किसी को अपने बिजनेस में फायदा चाहिए, किसी को बीमारियों में फायदा चाहिए, है ना। तो ये जो मंदिर है यहाँ पर, यहाँ की मान्यता के हिसाब से यहाँ पर लोग अपनी मेंटल इलनेस मतलब जो उनके बिहेवियर में जो एक चेंज आ गया है, उस चेंज को ठीक करने के लिए यहाँ पर आते हैं, मतलब एक मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मैं इस बात को वहां तक मान सकता हूँ, वो मान के आते हैं कि भूत बाधा हमको हुई है, परंतु मंदिर में आने के पश्चात में वे जब हनुमान जी की आरती अटेंड करते हैं, जल तीर्थ प्रसाद लेते हैं, तब उनके विचारों में बदलाव आ जाता है, उनको लगता है कि यहाँ तीर्थ प्रसाद लेने से हमें आराम लगा है, वो स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसी उनकी मानसिकता भी बन जाती है कि हम यहाँ सुधर रहे हैं। इसमें दूसरी कोई इसमें बात नहीं, डोंगर गावले घाई वस्ती आहे आमची, पहिलं दवाखाना केला पटोडे दवाखाना नागपूर, तिथं केला तिथंही आरामला लागला, मग तिथून येतं मंदिर घे आणला, आता नाही आता बाबाचं दर्शन घ्यायला आलो, आता येतं सबरेस नको येते बा, दवाखान्यानं आराम ना आला तिथंही पाहून घ्याव। देखो उस मंदिर का जो नाम है आपने देखा होगा, चमत्कारिक हनुमान मंदिर लिखा हुआ है। अब लोगों को लगता है कि यहाँ कोई चमत्कार होगा, क्योंकि कोई भी हनुमान जो होते हैं वो तो सारे बेचारे चमत्कारी होते हैं, और ऐसा नाम नहीं लिखा जाता है कि चमत्कारिक हनुमान है करके। तो ट्रस्ट कमेटी ने जो चमत्कारिक नाम दिया है उसका भी लोगों पर प्रभाव पड़ा है कि भाई कभी यहाँ जाकर कोई हम मानसिक रूप से बीमार है या अन्य हमारी बीमारियाँ है तो यहाँ जाकर कुछ चमत्कार हो जाएगा और हम दुरुस्त हो जाएंगे, ये एक भावना है। ये तो हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति है, अनेक प्रकार की बाधा पीड़ाएं जो है ये तो हनुमान जी उसका मतलब हल कर देते, वो पीड़ा को दूर मतलब समाप्त करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा है। भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना तो मैं उसको अंधविश्वास के पास इसलिए नहीं मानता कि वह कोई अंधविश्वास ही है। जो लोग अंधविश्वास के नाम पर आते भी होंगे पर जब आने के पश्चात जब आरती अटेंड करते हैं सवेरे शाम की 5:30 बजे वाली और जल लेते हैं तीर्थ लेते हैं तो उसमें अंधविश्वास खत्म हो जाता है, वो मानसिक रूप से वो मरीज स्वस्थ हो रहे हैं ऐसा होगा। देखिए जो मानसिक बीमारी होती है उसको हम समझने के लिए उसका एक मॉडल है जिसको हम बायो साइको सोशियो मॉडल बोलते हैं। इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, ये तीनों ही फैक्टर आपकी मानसिक बीमारी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आकर जल लेना, यहाँ पर आकर समय बिताना, पूजा में 1.25 महीने का समय बिताना, ये सब जो तरीके हैं एक्चुअली इस बायोसाइको और सोशियो मॉडल से क्लोजली रिलेटेड है। होता क्या है, आपकी जो मेंटल इलनेस होती है, जो मानसिक बीमारी होती है, मेनली 3 कारणों से होती है। एक तो आपका बायोलॉजिकल, चाहे आप केमिकल इम्बेलेंस बोलिए या जेनेटिक प्रॉब्लम बोलिए, आपका साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है, मतलब आपकी भावनाएँ, आपकी सोच, आपका विश्वास,
और सोशियोलॉजिकल मतलब एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स है, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, आपकी एजुकेशनल कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपकी बीमारी से रिलेटेड होती है। जब आपको कोई मेंटल इलनेस होती है तो इन तीनों चीज़ों का बराबर का हिस्सा होता है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म में समझना चाहें तो 33% तीनों का भाग होता है। जब पेशेंट यहाँ मंदिर में आता है इलाज कराने के लिए तो उसका जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था जहाँ से वो आया है, यहाँ आने के बाद तो 33% रिड्यूस हो गया, मतलब उसकी 33% बीमारी ऐसे ही कम हो गई। जब ये स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट कम हो गया तो उसका उसके इमोशंस भी पॉजिटिव हो गए, हैप्पीनेस, होप उसके अंदर डेवलप होती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी ठीक हो जाता है, धीरे धीरे उसके विचार भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। मतलब 66% बीमारी उसकी ठीक हो गई। अब बचा बायोलॉजिकल फैक्टर, तो बायोलॉजिकल फैक्टर सिर्फ 33% है लेकिन 66% अब ठीक हो गए। तो पेशेंट को क्या लगता है कि वो मंदिर में आने के बाद में, जल लेने के बाद में, ये सारे रिचुअल्स करने के बाद में वो ठीक हुआ? आई बाबा तो घरी गेला तो जास्त होऊन जाई, रा बाबाच्या ठिकाण्यामंदी असं कोराबाराचं सुनायचंही म्हणणं आहे, करा बा 4 दिवस राहिल्या थोडं बिघडते काही, म्हणून त्याच्याकरता येतं ठेवण्यात आलं। हा महिने एक केस देखण्या महिने एक आर्वी तालुका की एक लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, वो फुटबॉल चैंपियन थी और वो भीड़ जिला में खेलने के लिए गई, खेलते खेलते वो ग्राउंड पे गिर गई, गिरने के बाद में बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद में उनको अस्पताल लेके गए अमरावती अस्पताल में, वो 11 दिन तक बेहोश रही और अपने गांव में जाने के बाद में अड़ोस पड़ोस के सब भाई लोग आदमी लोग आए, उन्हें बोला कि भाई रामसावली हनुमान मंदिर का मेरे पास में जल है, वो जल थोड़ा उनको पिलाया, आँखों में डाल दिया, तो डालने के बाद में वो बिल्कुल देखने लगी, अच्छी हुई, बैठी यहाँ ही 100 महीना तक यहाँ रही अपनी श्रद्धापूर्वक भावनापूर्वक और यहाँ से दुरुस्त हो चली गई। एक बार एक पेशेंट आया था जो प्रेत बाधा से बहुत पीड़ित था और वो मंदिर में जो शिव मंदिर है नीचे है वहाँ उसने त्रिशूल उठा के एक बार मेरे ऊपर फेंक दिया। हम लोगों ने मिलके हालात को कंट्रोल किया और उनके परिजनों को बताया कि इनको सुबह की आरती में अटेंड कराओ। जब उन्होंने आरती में अटेंड किया, पूजा पाठ की उसके हाथ द्वारा, तो उसकी हालत में इतना सुधार हुआ कि मुझे ताजुब हुआ कि ये व्यक्ति ग्रसित पेट बाधा से था तो इतने जल्दी ठीक कैसे हो गया, ये दादा का अद्भुत चमत्कार है। वैसे परसों एक मिले थे हमको टीचर, वो हाई स्कूल के टीचर थे, नागपुर के रहने वाले है, उनकी लड़की थोड़ी सी मानसिक रूप से है, उन्हें काफ़ी डॉक्टरों के पास इलाज किया है लेकिन आराम नहीं हुआ है, तो एक महीने से यहाँ पर वो रह रहे बच्चों को लेकर, कुछ हमको आराम हो जाए भाई इस दृष्टि से। तब उन्हें कैसा कहेंगे कि गरीब लोग है, आदिवासी है, इसलिए अंधे विश्वास पर श्रद्धा रखते हैं, पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों को लेकर या मानसिक रोग को लेकर यहाँ रह रहे। इस पर देखिए क्या होता है, भूत बाधा ये जो विचार लोगों के मन में है, एक्चुअली मुझे इसका सीधा संबंध लोगों की अज्ञानता से या जागरूकता कम होने से नजर आता है। मतलब मानसिक बीमारी ये जो चीज है इसको सीधे सीधे कई वर्षों से सदियों से भूत बाधा से ही जोड़कर देखते हैं। एक्चुअली मानसिक बीमारी को मानसिक बीमारी के रूप में नहीं लेते हैं, जिस दिन वो उसको बीमारी के रूप में लेना शुरू कर देंगे तो बीमारी का ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे। एक्चुअली वो इसको बीमारी न मानते हुए किसी आत्मा का या किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव मानते हैं, ऐसी शक्ति जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसी शक्ति जिसको एक इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो कौन कंट्रोल करेगा। मानसिक रोगी है, मानसिक रोगियों के लिए जो सरकार की तरफ से हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। जहाँ रोगी के बीमारी के इलाज उपलब्ध नहीं होते हैं तो लोग क्या करते हैं बेचारे, कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए, इसलिए अंधविश्वास पर ज्यादा जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं हनुमान मंदिर ये तो नाम तो चमत्कारिक है, यहाँ कुछ हम दुरुस्त हो जाएंगे। इसमें तो सरकार की भी एक जिम्मेदारी होती है, यदि अपने छिंदवाड़ा जिले में कोई मानसिक रोगियों का अस्पताल नहीं है
जो अन्य प्रांतों में हर जिले में मानसिक रोगों का अस्पताल है, तो कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग एक तो स्थानीय अपना इलाज करते हैं और नहीं तो भगवान के भरोसे पर एक आस्था रखते हुए भगवान के मंदिर पर आते हैं कि वहाँ कुछ आराम हो जाए। नहीं, वो तो ऐसा है कि ये हनुमान जी के दरबार में हम लोगों ने तो पूरी दोनों प्रकार की व्यवस्था की है। इसमें एक तो हनुमान जी की दुआ और दवा, दुआ हनुमान जी की मिल जाए तो स्वस्थ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, उसमें दुआ मिलती है, ऐसे मान के चलना पड़ता है, मान के लोग चलते भी है। और दवा का प्रश्न तो हमने दो तीन प्रकार के हॉस्पिटल भी खोल दिए हैं। मानसिक रूप से रोगियों के लिए कलकत्ता की सेवा नाम की जो संस्था है, स्वयं सेवी संस्था, वह यहाँ हमारे काम कर रही है, हम उनको सेवा करते हैं। और प्रति गुरुवार को वहाँ के जो तैनात डॉक्टर होते हैं सेवा संस्था के, वो प्रति गुरुवार को शासकीय अस्पताल में स्वस्थ में लाकर उनका इलाज करवाते हैं और उससे उनको आराम होता है। वैसा जगह क्या साधन खुला है, परंतु इसका प्रचार प्रसार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होने से वो दवाखाना में 20-25 ही लोग इसका उपयोग करते हैं, बाकी लोग अपने अंधश्रद्धा के शिकार हो रहे हैं। हाँ, नागपुर में मीडिया ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाकर, कमेटी का जिसे प्रचार प्रसार अंधश्रद्धा के उन्मूलन समिति संसद छिंदवाड़ा इसकी शाखाएं खुली है और इसके पहल किया है, परंतु उसको अभी तक इतनी सफलता चाहिए उतनी सफलता नहीं। जनता की ये प्रतिक्रिया रही है कि क्या होता है, आधे लोग इसके फेवर में रहते और आधे लोग इसके विरोध में रहते। क्यों? एक बुआबाजी तांत्रिक मंत्री या झोलाछाप डॉक्टर जो हताश होने के बाद में लोगों को ये कहते, अरे उनकी क्या सुनते अंधश्रद्धा वाले को, वो तो भगवान का है, और ये तांत्रिक मंत्री गुरु को लूटते हैं। मीडिया ने बहुत प्रयास किया, मीडिया हर समय इसका प्रचार प्रसार करती है कि भाई वो ऐसे ही लोगों से सावधान रहो, ये अंधश्रद्धा है, इसमें कुछ नहीं। अवेयरनेस ही इसका सबसे अच्छा उपाय है, रातों रात होने वाली चीज नहीं है। इसको आपको कई साल देना पड़ेगा, शायद दशकों तक आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, आप मीडिया वाले, हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, सारे मिलकर ये कोशिश करें कि लोगों में एक अवेयरनेस निर्माण हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली एक इलनेस है। तो उसी तरह से एक मेंटल इलनेस को भी एक कैंपेन की ज़रूरत है, एक लॉन्ग टर्म कैंपेन की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे देश में खासकर के ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की बड़ी कमी है, जागरूकता का बड़ा अभाव है। मतलब लोगों को मालूम नहीं है कि ये बीमारी जो है एक्चुअली डॉक्टर के पास जाने से भी ठीक हो सकती है। लोगों को पता नहीं है कि इसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध है। लोगों को ये पता नहीं है कि अगर सही ट्रीटमेंट सही समय पर ले तो हमेशा के लिए ठीक भी हो सकते हैं। इस अंधश्रद्धा को जो बढ़ावा मिल रहा है वो जब तक अपन लोग पहल करते नहीं, समाज शासन या मंदिर कमेटी के लोग, देखिए ये अपने समाज का काम है, ये अपने नेताओं का काम है, ये शासन का काम है। जैसा अपन कोई चीज के लिए या शासन कोई योजना निकाल रहा है तो उसका प्रचार प्रसार होता है, हर गांव में जाते उसको समझाते, ऐसा कोई शासन की ओर से या समाज की ओर से या नेताओं की ओर से भी पहल नहीं करते, भाई लोग अड़ानी अशिक्षित रहते, अशिक्षित आदिवासी लोग रहते और वो बुआबाजी के चक्कर में ये रहने के बाद में हताश होने के बाद में डॉक्टर पास जाते, डॉक्टर उनसे पैसे चूसते और ये जो डॉक्टर हताश होने के बाद उनको कहते आप बाहर का तांत्रिक मांत्रिक या बुआबाजी या जानते को देखिए, जानते के चक्कर में जाके अपने मुँह मृत्यु के शिकार होते। इसके रूप में सरकार ने कोई पहल नहीं किया है न कर रही है, और सरकार ने यदि पहल किया है तो ऐसे झोलाछाप डॉक्टर के ऊपर प्रतिबंध लगाया है तो ऐसे बहुत से लोग ये अंधश्रद्धा के शिकार जो बलि होने वाले हैं उससे बच सकते हैं। और अंधश्रद्धा के लिए समाज के लोगों ने इसके पहल करना चाहिए, मेरा बला और मेरा घर बला ऐसा दिखने से समाज की सुधार नहीं होती।